ब्लॉग जो है कंटिन्यू होगा, उतरने तक कंटिन्यू होगा। थोड़ा लंबा होगा लेकिन आप लोग लंबा ब्लॉग देखा करो यार, इन्फॉर्मेशन भी चाहिए और 5 मिनट में चाहते हो ब्लॉग भी ख़त्म हो जाए, तो ऐसे तो नहीं होगा ना यार। मेहनत करते हैं यार हम लोग, वॉच टाइम बढ़ाओ हम लोग का। धन्यवाद दोस्तों वॉच आवर बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। जय माता दी कहते रहिए। माता वैष्णो देवी मंदिर तक की यात्रा को देश के सबसे पवित्र और कठिन तीर्थ यात्राओं में से एक माना जाता है, और इसकी वजह यह है कि माता का दरबार जम्मू कश्मीर स्थित त्रिकूट पर्वत पर एक गुफा में है, जहां तक पहुंचने के लिए आपको 13 किलोमीटर की मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। वैष्णो देवी तीर्थ स्थान समुद्र तल से लगभग 5,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और बेस कैंप कटरा से माता का दरबार जिसे भवन भी कहते हैं तक पहुंचने के लिए करीब 13 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती है। माता वैष्णो देवी के मंदिर तक पहुंचने के लिए पैदल चढ़ाई करना ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू या पालकी की सवारी भी कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से कटरा से भवन तक जाने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा कटरा से सांझी छत के बीच नियमित रूप से हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। सांझी छत से आपको सिर्फ 2.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी होगी। तो दोस्तों पहली बार हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज का, क्या इसको बोलते हैं, ये स्टेशन जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी माँ को 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाना था, तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। 250 रुपया लग रहा है यहाँ ओल्ड दिल्ली स्टेशन पे उतर के, और 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए हम लोगों ने इस चीज का सहारा लिया है। ये थोड़ा ई रिक्शा टाइप का, मैं और मेरे भैया पीछे बैठे हुए हैं, बाकी अंदर सब लोग। दोस्तों आ गए हम लोग इस वक्त ट्रेन में, ट्रेन खुल गई है दिल्ली से और हम लोग जा रहे हैं कटरा जा रहे हैं हम लोग। और मेरा सबसे बेहतरीन जो जर्नी का पार्ट होता है वो होता है ट्रेन में घर का खाना खाना, और माँ जब साथ में हो तो खाना ही खाना। तो अब ये दूसरा खाना आ गया ये वाला खाना नहीं दोस्तों, ये वाला खाना। तो अभी हम लोग सेवन करने जा रहे हैं पनीर चिली रोटी का, और साथ में पूरी और भुजिया। पूरी और नहीं, भुजिया मैं नहीं खाता हूँ, ये खाता है, ये पूरी भुजिया खाता है और मैं पनीर खाता हूँ। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे दोस्तों इसी तरह। हम रोटी लेंगे वहाँ। तो कटरा आ गए इस वक्त दोस्तों, और सिम बंद हो गया हम लोगों का, हालांकि नीचे इस होटल के हम लोग ने सब लोग अपना अपना सिम ले लिया और एक्टिवेशन का इंतज़ार है। फिलहाल काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और मैं नज़ारा आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। श्री राम होटल करके हैं ये। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे कटरा से 2 बजे के, अभी लगभग 11 बज रहे, 2 बजे माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई करना शुरू करेंगे हम लोग। और फिर अब पता नहीं मम्मी कब तक पहुंचेगी और मम्मी के साथ साथ हम लोग। तो ये श्री राम होटल जो हम लोग रुके हैं, इसका रेट कुछ इस तरह है कि कितना हुआ है, 9,000 तीन दिन के लिए लिया है, यानी 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से है, और ये डबल बेड है तो 5 आदमी के लिए ये हम लोगों ने बुकिंग किया है, मैं, मम्मी पापा, भैया भाभी, 5 लोग। तो काफ़ी सस्ता है और स्टेशन से काफ़ी करीब है, और जहाँ से हम लोग चढ़ाई करने वाले हैं उससे भी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है, ज़्यादा दूर तो है नहीं। तो यही है बताना था आप लोगों को, अगर बुकिंग करनी होगी तो बुकिंग डिटेल्स चिपकाने की कोशिश करूँगा मैं यहाँ पर, आप लोग भी कर लूँगा। कहाँ से की हो बुकिंग? मेक माई ट्रिप से बुकिंग, मेक माई ट्रिप पर देख लेना आप लोग। चलिए धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों हम लोग निकल गए हैं चढ़ाई पे, और धूप इतनी प्रचंड है कि मुझे अपना मुंह ढकना पड़ रहा है। हालांकि मेरी माँ और मेरे परिवार वालों ने, सब लोग ने हुडी रख लिया है, पता नहीं क्यों, और मुझे भी बोल रहा था हुडी लेकर आने को, अच्छा हुआ मैंने नहीं लाया। सितंबर का आखिरी महीना चल रहा है ये, और धूप बहुत प्रचंड है। अब
आप लोग अपने अपने हिसाब से देख लो, जिसको ज़्यादा ठंड लगता है तो उसको तो रख ही लेना चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन इतना मौसम बहुत सही है, बहुत ज़्यादा धूप, मतलब धूप तो है यार। चलिए धन्यवाद दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं निहारिका भवन और वहाँ से RFID कार्ड लेकर और उसके बाद फिर चढ़ाई शुरू करेंगे। चलिए धन्यवाद। तो दोस्तों हम लोग इस वक्त जा रहे हैं निहारिका भवन अपने होटल से, और यहाँ पे ऑटो पकड़ने का मिनिमम भाड़ा 100 रुपया है, हालांकि मीटर सबके पास है लेकिन यहाँ पे लोग मीटर से नहीं चलते हैं, मिनिमम बैलेंस इज 100 रुपीज और उसके बाद डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ये जानकारी आपको देनी थी, धन्यवाद, मिलते रहेंगे। तो इस वक्त हम लोग आ गए निहारिका भवन के बगल में, यहाँ पे RFID कार्ड बनवाने के लिए आया है, और RFID कार्ड जितने लोगों का बनेगा उन लोगों को फिजिकली प्रेजेंट रहना पड़ेगा, मैं दिखा देता हूँ कुछ ऐसे, हाँ, और उतने आधार कार्ड लगेंगे। धन्यवाद दोस्तों। मेरी माँ आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती है, तो दो RFID कार्ड लेकर भी ऊपर चढ़ा जाता है, और RFID कार्ड का पंजीकरण कराया जाता है निहारिका भवन और दो तीन जगह है याद नहीं, ये हम लोग कहाँ से लिए हैं दोस्तों। निहारिका भवन के बगल में ही RFID कार्ड का ऑफिस है जहाँ से आपका पंजीकरण कराने की जो बात कर रही है, और निहारिका भवन की बुकिंग ऑनलाइन होती है, बहुत ही मुश्किल है वहाँ पर बुकिंग करना, हम लोगों ने भी कोशिश किया था काफ़ी पहले, उसका बुकिंग ऑनलाइन बंद हो जाता है और ऑफलाइन तो आपको मिलेगा ही नहीं। एक और सूचना है कि ऑफलाइन अगर आप लोगों को अगर पहले से हेलीकॉप्टर की बुकिंग नहीं की है आप लोगों ने, बट किसी कारणवश आपको हेलीकॉप्टर चाहिए, पैदल नहीं चल पा रहे हो, तो आप ऑफलाइन निहारिका भवन से भी बुकिंग कर सकते हो। सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को सुबह 4 बजे आ जाना होगा। ये 28 सितंबर 2024 का आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ मैं, ये लेटेस्ट अपडेट है। और निहारिका भवन से RFID कार्ड, ये कार्ड जो है ये इंडिविजुअल हर इंसान का कार्ड होगा, तो आप इस कार्ड को किसी के साथ मिसमैच ना करें, और इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, आपको दर्शन करने के लिए ये चाहिए ही होगा। अगर किसी कारण बस खो जाता है तो उसके लिए आपको जुर्माना 100 रुपये देना है। और उसको कहाँ जमा करवाना, क्या बोलेंगे? हाँ, जमा कराना है, वो आपका जब दर्शन हो जाता है तो वापस जमा कराना है। 3 काउंटर है, ताराकोट, बाणगंगा और हेलीपैड का निकासी जहाँ है एग्जिट वहाँ पर जमा करना। तारापीठ, बाणगंगा और हेलीपैड का निकास एग्जिट जहाँ पर है वहाँ पर आप इसको जमा करवाओगे, एक बार दर्शन हो गए उसके बाद। अगर कार्ड लेकर उसके बाद भी अगर किसी कारणवश दर्शन नहीं कर पाते हैं तो फिर भी आपको उसको जमा करना है। कार्ड लेकर भी अगर आप दर्शन नहीं कर पाते किसी भी कारण में, तबीयत खराब हो गई आपकी या कुछ, भुलाना नहीं इस कार्ड को, अगर इस कार्ड को अगर आप भुलाते हो तो 100 रुपये जुर्माना है, और उसके बाद फिर से बनाना पड़ेगा, आधा घंटा लाइन में लगना पड़ेगा आपको RFID कार्ड में, और उसका फिर अलग प्रोसीजर हो जाएगा जैसे कि। और ये कार्ड फिलहाल निःशुल्क है, ये हम लोगों ने 1 भी रुपया नहीं दिया, बस आधे घंटे का टाइम लगा है। तो यही सब जानकारी देनी थी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको नोट डाउन कर ले अगर आप वैष्णो देवी में आ रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा, लाइन लगने जाइएगा तो एक जगह इन और एक जगह आउट लिखा हुआ है, आउट में मत घुसिएगा नहीं तो वो हटा देगा। और दूसरी बात कि मैंने वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना कोशिश किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, तो मैं वहाँ का रिकॉर्डिंग करके RFID के ऑफिस का नहीं दिखा पाया हूँ आप लोगों को, लेकिन वो निहारिका भवन के बिल्कुल बगल में ही, आप पूछोगे कोई भी बता देगा, ऑटो वाला इंसान जो भी टहल रहा होगा रोड पर सब आपको जानकारी दे देगा, ऐसा टूरिस्ट प्लेस, टेंशन नहीं लेना है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे, यही जानकारी सब देते रहेंगे। दोस्तों कटरा बस स्टैंड से हम लोगों ने ऑटो लिया है और यहाँ से जा रहे हैं हम लोग बाणगंगा, तो यहाँ से पर ऑटो का जो चार्ज है वो 200 रुपया है। हम लोगों ने 2 ऑटो किया है, मम्मी पापा और हम एक ऑटो में हैं और भैया भाभी अलग ऑटो में, तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाणगंगा अगर कटरा बस स्टैंड से जाते हो तो 200 रुपया चार्ज लगेगा एक ऑटो का। पौराणिक कथाओं के अनुसार वैष्णो माता का जन्म दक्षिणी भारत में रत्नाकर के घर हुआ था। बचपन में माता का नाम त्रिकुटा था, बाद में उनका जन्म भगवान विष्णु के वंश में होने के कारण उनका नाम वैष्णवी कहलाया। तो दोस्तों आपको कटरा से ऑटो लाके बाणगंगा के पास यहीं पर छोड़ेगा, देख लो भाभी तैयार हो गई है, थोड़ा ऊपर कर लीजिए,
घूमो घूमो। जय माता दी। आराम से ये बोले ना, वो लायबिलिटी है। वो लायबिलिटी का लगा है। ये देखो बैठू लो। पापा तो परफेक्ट फिट होता है। पापा मेरा माथा एक जैसा है ना, ललाट। तुम लोग का अजीब सा ललाट। तो दोस्तों, बाढ़ गंगा के दर्शनी द्वार से हम लोग अपना बैग का चेकिंग करा लिए हैं। तो यहाँ पे चेकिंग होती है पीछे, और हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हाँ बताओ बताओ। सिर्फ तीन रास्ते हैं, हेलीपैड, बाणगंगा और ताराकोट। अगर आपको बहुत हल्के हल्के में जाना है, जिस शेड तो रहेगा बट मज़ा नहीं आएगा, जो हम लोग पिछले बार गए थे ताराकोट। और अगर आपको फीलिंग लेते हुए जाना है, माता का जयकार करते हुए जाना है, तो आपको बाणगंगा की तरफ आना है, दर्शनी द्वार जिसे बोला जाता है। ये पुराना रास्ता हुआ जो बाणगंगा की तरफ है, और जो ताराकोट की तरफ है वो नया रास्ता हुआ। जय माता दी। तो जोर से बोलो जय माता दी। जय माता दी। चलिए दोस्तों, मिलते रहेंगे। महाभारत में पांडवों और कुरुक्षेत्र युद्ध का वर्णन है, जिसमें देवी वैष्णो देवी की पूजा उल्लेख है। कहा जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह पर आशीर्वाद के लिए दुर्गा की पूजा की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी माँ वैष्णो देवी के रूप में उनके सामने प्रकट हुई। जब देवी प्रकट हुई तो अर्जुन ने एक स्तोत्र के साथ उनकी स्तुति शुरू की, जिसमें एक श्लोक है, जम्बू कटक चित्याशु नित्यन सनही तल्ले, जिसका अर्थ है, आप जो हमेशा जम्मू के पहाड़ की ढलान पर मंदिर में निवास करती है, हे माँ, आपको शत शत नमन। तो दोस्तों, अभी तक चरण पादुका नहीं आया है, जो कि लगभग 1 किलोमीटर पर ही है, और हम लोग कम से कम 20 बार अभी तक रुक चुके हैं। मेरी माँ 20 बार हम लोग को रुकवाई है, अभी पता नहीं कितनी बार और रुकना होगा। तो 2-3 जानकारियाँ और देनी थी आप लोगों को। जैसे आप घोड़ा करके आ सकते हो, उसका पर हेड कॉस्ट है 2 से 2,500 के बीच में। हेलीकॉप्टर के बारे में मैं बता रहा था, हेलीकॉप्टर का कॉस्ट है 4200 पर हेड, लेकिन उसका ऐसा है कि सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है। कहाँ से कौन भवन था? निहारिका भवन, निहारिका भवन से सुबह 6 बजे अगर आप काउंटर खुलने से पहले पहुँच जाते हो, और 4200 नहीं, सिर्फ जाने का, नहीं एक तरफ का, हम लोग पूछे थे दोनों तरफ का 4200 पर हेड कॉस्ट है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। हालांकि मुझे जो जानकारी मिली है वो यही है। और सुबह 4 बजे से ही लोग लाइन में लग जाते हैं और 6 बजे काउंटर खुलता है, तो ध्यान से आप लोग 6 बजे के पहले काउंटर के पास पहुंच जाए। जय माता दी दोस्तों, यही जानकारियाँ देनी थी। हालांकि मेरा और मानना है कि या तो हेलीकॉप्टर से जाए या फिर पैदल जाए। घोड़ा और पिट्ठू और पालकी अगर आप करते हैं तो फिर कैसी भक्ति और कैसा साधना, उसको क्या बोलते हैं, सबका अपना अपना वे है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है, आप अपना देख लीजिए। जिसकी जथा शक्ति तथा भक्ति, जिसकी शक्ति जैसी है वैसा करेगा। चलिए धन्यवाद। दर्शन करने की इच्छा हर किसी को रहती है, लेकिन जो जिसकी शक्ति जैसी है वैसा जाएगा, कोई पालकी में, कोई घोड़े पे, कोई पैदल। तो यही जानकारियाँ देनी थी आप लोगों को। जय माता दी दोस्तों। तो देख सकते हो हमारे भाई सौर्या स्नैपशॉट, इनका भी चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनका चैनल का सब्सक्राइबर थोड़ा कम हो गया मेरे से, धन्यवाद दोस्तों। दोस्तों, हम लोग प्रथम मंदिर पहुंच गए हैं, जो कि है चरण पादुका। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार चरण पादुका मंदिर वह पवित्र स्थान है जहां देवी रुकी थी और राक्षस भैरवनाथ द्वारा पीछा किए जाने के दौरान पीछे मुड़कर देखा था। यहीं पर उनके पैरों के निशान हैं, चट्टान पर अंकित है, और इसलिए इसका नाम चरण पादुका पड़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र पद चिन्ह।
तो दोस्तों यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर, ये लगभग 360 सीढ़ियाँ है, इससे आप सीधा पहुँच जाओगे काफ़ी दूर, लगभग 1-2 किलोमीटर के आसपास यहाँ से रास्ता कवर हो जाएगा आपका। लेकिन वहाँ सूचना पत्र में लिखा हुआ है साफ साफ कि अगर आप वृद्ध यात्री हो या अगर आप हार्ट पेशेंट हो तो आप इस सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें, ये सख्त मनाही है, क्योंकि आपका दम फूलेगा और प्राण जाने की भी संभावना है। धन्यवाद दोस्तों, यही जानकारी देनी थी। माता वैष्णो देवी मंदिर एक प्राचीन मंदिर है जिसकी प्राचीनता महाभारत से पहले की है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में हथियार उठाने से पहले जम्भू की पहाड़ियों पर जाकर वैष्णो देवी का आशीर्वाद लेने की सलाह दी थी। जम्भू की पहचान वर्तमान जम्मू से की जाती है। वैष्णो देवी की पूजा करते समय अर्जुन उन्हें सर्वोच्च योगी कहते हैं जो जीर्णता और क्षय से मुक्त है। वो वेदों और वेदांत के विज्ञान की माता है और जो विजय प्रदान करने वाली और स्वयं विजय का अवतार है। यह भी आमतौर पर माना जाता है कि पांडवों ने सबसे पहले देवी माँ की प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता में कोल कंडोली और भवन में मंदिर बनवाए थे। त्रिकूट पर्वत से सटे और पवित्र गुफा के सामने एक पहाड़ पर 5 पत्थर की संरचनाएं हैं जिन्हें 5 पांडवों के चट्टानी प्रतीक माना जाता है। दोस्तों मेरे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं आप लोगों से। माता जी के दर्शन में यंग लड़के को देखा हमने, घोड़ा पर सवार होकर डोली पर सवार होकर माता जी का दर्शन करने जा रहे हैं, जो सर्वदा गलत है। अपने पैर पर भरोसा रखना चाहिए और अगर भक्ति है और शक्ति दिखलाना चाहिए और पैदल ही जाना चाहिए माता जी के पास। वो ब्रिज जो नहीं कवर कर सकते हैं उसके लिए घोड़ा और डोली है। धन्यवाद। सिर्फ जवान लड़का ही नहीं, जवान लड़की भी, मेरा ऐसा मानना है कि पैदल ही जाना चाहिए और बूढ़ा लोग के लिए होता है घोड़ी डोली जो भी है, या हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करें। लेकिन जवान होने के बावजूद अगर किसी जानवर को कष्ट दे के जाएंगे तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि माता जी प्रसन्न होगी आपसे, क्योंकि उनका वो घोड़ा भी उतना ही बच्चा है जितना आप है। तो अभी यही जानकारी देनी थी आप लोगों को। अर्धकुमारी में 3 किलोमीटर अभी भी बचा हुआ है और हम लोग बैठ के यहाँ पर चाय पी रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर जो मार्ग अभी आई है, यहाँ से हम लोग अर्धकुमारी का रास्ता पकड़ रहे हैं। तो ये पीछे जो रास्ता मेरे पीछे जा रहा है, इधर से अर्धकुमारी होते हुए आप भवन को जा सकते हैं, और ये सामने जो रास्ता जा रहा है इधर डायरेक्ट आप यहाँ से आइएगा और सीधे चले जाइएगा डायरेक्ट भवन को। लेकिन हम लोग अर्धकुमारी होते हुए जाएंगे क्योंकि हम लोग अर्धकुमारी भी देखने आए हैं। और वहाँ से 2 रास्ता जाएगा, एक हाथी मत्था के थ्रू जो कि 6.5 किलोमीटर होगा भवन का, यहाँ से 6.5 किलोमीटर, और जहाँ से अभी यहाँ से अगर हम लोग सीधा भवन चले जाए तो ये पड़ेगा 5.5 किलोमीटर, तो लगभग 1 किलोमीटर का डिफरेंस आएगा। हालांकि आप चाहे तो हाथी मत्था मार्ग ना पकड़ के और फिर से हिमकोटी, क्या नाम है, हिमकोटी मार्ग भी पकड़ सकते हैं। तो यही जानकारी आप लोगों को देनी थी दोस्तों, या देख सकते हो आप लोग, मैं वीडियो भी पोस्ट कर दूंगा कि कौन सा रास्ता किधर से जाता है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप लोग आइएगा तो मेरा ऐसा मानना है कि अर्धकुमारी भी जाइएगा और भैरव स्थान भी जाइएगा तो आपका पूर्ण दर्शन होगा। ऐसा कहा जाता है कि माता का दर्शन सिर्फ अर्ध दर्शन है, अर्धकुमारी और भैरव स्थान दोनों जाने के बाद ही पूर्ण दर्शन होता है। मिलते रहेंगे दोस्तों, बस यही सब जानकारी देनी थी। तो दोस्तों हम लोग आ गए इस वक्त अर्धकुमारी के पास, और अर्धकुमारी का मतलब है कि आधा रास्ता ही सिर्फ तय हुआ है अभी तक। आपको बहुत बार ऐसा लगेगा बीच बीच में कि गिव अप कर दिया जाए, हमारे परिवार वालों को भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, मेरे पिताजी मेरी माताजी ने भी गिव अप करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने दम पकड़ा और हम लोग ने ठाना है कि एक सांस में चढ़ेंगे, दर्शन करके सीधा उतरेंगे, कोई स्टे नहीं लेना है। हालांकि आप बीच में रुक सकते हैं, ऐसा जान प्राण दे के भी दर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए धन्यवाद दोस्तों, यही बताना था आप लोगों को कि गिव अप करने का मन करेगा, डिपेंड करता है आपके ऊपर। दोस्तों मेरे परिवार वालों ने डिसाइड किया है कि हाथी मत्था तक नहीं जा पाएंगे, ये अर्धकुमारी में बैठे हैं हम लोग और यहाँ पर है लगभग हाथी मत्था, तो ये आपका डिसीजन होगा कि आप जा पाए कि नहीं जा पाए। इन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं जा पाएंगे। तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग अब हिमकोटी मार्ग पकड़ेंगे और सीधा भवन जाएंगे।
तीन कोटी मार्ग से भवन जाना आसान है, वो सीधा रास्ता चढ़ाई नहीं है। और अब हाथी मत्था नहीं जा रहे? हाथी मत्था बहुत ऊंचाई पर है, तो हम लोग गिव अप कर दिए है हाथी मत्था को। दोस्तों कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसे कि अर्थ कुमारी के पास यहाँ पे प्रॉपर आप आओगे तो आपको मैगडी मिल जाएगा, बरिस्ता मिल जाएगा, काफ़ी कुछ है यहाँ पर, और एटीएम भी है अगर आपका कैश ख़त्म हो जाता है तो सुविधा काफ़ी बढ़ गई है दोस्तों पहले से। जब मैं 2019 में आया था तो उस समय थोड़ा सुविधा की कमी थी, लेकिन अभी प्रॉपर है, और खाने पीने का काफ़ी बहुत ही उमदा इन्होंने बंदोबस्त कर रखा है। चले दोस्तों अब हम पूरा परिवार कुछ पेट पूजा करते हैं। अर्धकुमारी गुफा को लेकर मान्यता यह है कि माता वैष्णो देवी ने पूरे 9 माह तक यहां तपस्या की। कहा जाता है कि जो भी भक्त इस गुफा में दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता यह भी है कि बिल्कुल माँ वैष्णो देवी की तरह हर गर्भवती औरत भी 9 माह तक अपने बच्चे को उसी तपस्या और कष्ट से झेलती है जितना माता वैष्णो देवी ने झेला था। दोस्तों आ गए इस वक्त अर्धकुमारी में है हम। मम्मी पापा भैया भाभी लोग आगे चला गया है, हम थोड़ा मोबाइल चार्ज कर रहे थे। ठीक सागर रत्ना रेस्टोरेंट जो अर्धकुमारी में उसके ठीक अपोजिट साइड में काफ़ी चार्जर एक साथ रखा हुआ था और चार्जर पोर्ट था, आप अपने मोबाइल को वहां पे चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि लाजमी है मैं मोबाइल से ही ब्लॉग बनाता हूं तो मेरा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है। हालांकि अर्धकुमारी में देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा बंदोबस्त है, यहाँ पर लोग काइंड ऑफ धर्मशाला है, यहाँ पर लोग सो भी सकते हैं। और ये वे टू भवन है, और मैं यहाँ से अब भवन की तरफ जाऊँगा, वो लोग आगे चले गए हैं। तो अगर आप लोग थक गए हो और अर्धकुमारी में आकर रेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पर अर्धकुमारी एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास। हालांकि कंबल और रजाई तो पता नहीं मुझे मिलता है कि नहीं मिलता, अगर अपना बंदोबस्त करके आओगे तो यहाँ पर सो सकते हो, कोई आपको रोकेगा नहीं। काफ़ी लोग आप देख सकते हो मेरे पीछे सोए हुए हैं थक कर, क्योंकि बहुत लोगों से एक दिन में ट्रैकिंग हो नहीं पाती है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग इतने चुस्त दुरुस्त तो ज़रूर हो गए कि 14 किलोमीटर का ट्रैक कर ही सकते हो, और मेरा विश्वास करो मैंने केदारनाथ का ट्रैक किया दोस्तों, और केदारनाथ के सामने वैष्णो देवी का ट्रैकिंग कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान ट्रैकिंग है। आप रोड देख सकते हो, देखो कितना आसान है, बिल्कुल बिल्कुल प्लेन रोड है, बिल्कुल ट्रैक नहीं है, इसको हाइकिंग बोलेंगे दोस्तों, ट्रैकिंग तो है भी नहीं। तो कोशिश करो पैदल आने का, और बिना किसी पिट्ठू और पालकी के सहारे, जवान लोगों से खासकर दरख्वास्त है मेरी इस बात को लेकर। हेलीकॉप्टर से आने का मन है, पैसे खर्च करने का मन है, ये अलग चीज़ है, हेलीकॉप्टर से आ सकते हो, हम लोगों ने भी ट्राई किया, हुआ नहीं, लेकिन बेस्ट होगा पैदल आओ यार। कहा जाता है कि अगर जो कष्ट से आता है वो आशीर्वाद पाके जाता है, जो मस्ती में आता है उसको थोड़ा कम आशीर्वाद मिलता है, खैर सब अपनी अपनी मान्यता है। फिलहाल भवन की तरफ आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों अगर आपको रात में जगना है, जो कि अभी हो रहा है कितना बज रहा है, 1 बज रहा है, 11 बज रहा है, तो 10:11 बज रहा है, और कितना बजे एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 10:50 अभी ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है वैसे, लेकिन अगर मान लीजिए 1-2 बज गया और आपको नींद आ रहा है, तो हम लोग अपने साथ साथ कैफीन का सेवन करते हुए जा रहे हैं, और हम लोग डार्क चॉकलेट का भी सेवन कर रहे हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए हम लोग सभी को। हालांकि नॉर्मली हम लोग खाते नहीं, और ना मैं इस चीज़ को उतना प्रमोट करता हूँ, लेकिन कैलरी बहुत बर्न हो रहा है, तो कैलरी अपना फिर से मेंटेन करने के लिए हम लोग डार्क चॉकलेट का सेवन कर रहे हैं और कॉफ़ी पी रहे हैं। तो यही जानकारी देनी थी आप लोगों को दोस्तों, आप लोग भी आइएगा तो कैफीन ले सकते हैं। देखिए बिना दूध का तो ऐसे कॉफ़ी मिलना मुश्किल है, मुझे भी डार्क कॉफ़ी पीने की आदत है, ब्लैक कॉफ़ी, डार्क चॉकलेट से डार्क कॉफ़ी हो गया, सॉरी ब्लैक कॉफ़ी बोलना चाह रहा था, विदाउट शुगर, हालांकि विदाउट शुगर है लेकिन इसमें दूध है, और दूध अगर चाय या कॉफ़ी में मिल जाए तो फिर फ़ायदा ख़त्म हो जाता है। तो अगर आप चाय पीते हैं तो बिना दूध के पीजिए, तो चाय से बेहतर एंटीऑक्सीडेंट कोई है ही नहीं। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कैल्शियम में जंग ना लगे, इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है शरीर में। मैं बीच बीच में ज्ञान भी बांटते रहता हूँ दोस्तों, धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पसंद आए तो। ये आया और लेकर चला गया, ये देखिए
ये खा रहा है। हालांकि हर जगह बोर्ड लगा हुआ है कि इन्हें खाना देना सख्त मना, लेकिन ये खुद से छीन लेता है। अकेले अकेले घूम रहा है। छोटू तुम्हारी मम्मी कहाँ है? छोटे कुछ बोलो। हेलो, तो आप लोग देख सकते हैं पूरा परिवार साथ में, चारों तरफ छाया हुआ है, परिवार में आतंक मचाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप लोग आ रहे हो यहाँ पर, तो कहीं से भी अगर आते हो, तो जम्मू में आके आपका सिम काम नहीं करेगा, तो सबसे पहले एक काम करना कि सिम ले लेना, या फिर अपना मोबाइल पोस्टपेड करा लेना। अगर आपका जैसे नोएडा में रह रहे हो और अगर आपका यूपी का ही नंबर है, तो पोस्टपेड होने में एक दिन लगेगा। लेकिन मेरे साथ दिक्कत था कि मैंने मुंबई जाके मुंबई का नंबर ले लिया था, क्योंकि मैं 6 महीने मुंबई में था, तो मेरा महाराष्ट्र का नंबर था। मैंने पोस्टपेड कराने के लिए जब गया, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि आपको कम से कम 5 से 7 दिन लगेगा। तो फिर मेरा आईफोन था, तो मैंने ई सिम करवाया और अपने सिम वाले पोर्ट को खाली किया कि मेरा ई सिम भी हो जाएगा, और सिम का कौन झंझट पता खोल के रखते भुला जाता। तो मैंने ई सिम करवा लिया, और ये आईफोन वालों के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशली। और जो सिम पोर्ट है, उसमें मैंने यहाँ का जियो नंबर लगवाया। और बेहतरीन बात यह है कि यहाँ पर जियो हर जगह काम करता है। हम लोग लगभग भवन के पास पहुँच गए, आप लोग देख सकते हो, मतलब अभी भी 2-3 किलोमीटर दूर है यहाँ से भवन, लेकिन आप आराम से जियो का नंबर जो है मेरा, आधा घंटा के अंदर मैंने फ़ोन स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया, उन्होंने बोला। और आधार कार्ड लगता है, फिज़िकल आधार कार्ड, आपका फ़ोटो लेगा और आधे घंटे के अंदर आपका सिम चालू करके दे देगा। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी, अगर आप यहाँ आते हो तो जियो का सिम लेना। मतलब ऐसा नहीं कि जियो का प्रमोशन कर रहा हूँ मैं, एयरटेल का भी ले लेना, लेकिन जियो का सिम फिलहाल हर जगह मैंने देखा है कि 5G चल रहा है। कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि 4G हो जाता है, मोस्टली हर जगह 5G है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। चलिए, धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। और दोस्तों, मैंने सिम का कॉस्ट नहीं बताया था आप लोगों को, तो सिम का कॉस्ट है 400 रुपये। चलिए, धन्यवाद। जो सबसे ऊपर आप लोगों को लाइट दिख रहा है इस तरह यहाँ पर, तो ये हुआ साजिल छत। ये हेलीकॉप्टर से जब आप आओगे तो आपको वहीं पे उतारेगा। और जो नीचे में दिख रहा है ये वाला लाइन, ये जो आखिरी में जा रहा है, ये माता का भवन आ गया। तो हम लोग लगभग पहुंच गए दोस्तों, अब यहाँ से लगभग 5 से 10 मिनट और लगेगा, डिपेंड ऑन माई मदर। और उसके बाद हम लोग वैष्णो देवी का दरबार पहुँच जाएंगे। क्या कैसा लग रहा है आपको, आज सालों के बाद आप चलना शुरू किया है और सीधा 14 किलोमीटर चलने लगे? कुछ भी ध्यान में नहीं है, सिर्फ माता रानी का दर्शन करना है। और माता रानी है, माता रानी जय माता दी कहता है, बॉडी बॉडी चलता जाए, जय माता दी कहता है। जोश में है मेरी माँ, ऐसे वो चलती नहीं है ना, एक्सरसाइज करती है, लेकिन आज चलेगी, ना हेलीकॉप्टर पर बैठेगी, ना घोड़ा पर, ना पालकी पर, आज वो चलेगी। तो कहे तुम दूसरे को बोलती हो कि आप घोड़ा कर सकते हैं अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार? इसलिए कि अब किसकी क्या स्थिति है हमको नहीं मालूम, इसलिए सब अपनी श्रद्धा से जाता है। सबकी श्रद्धा एक ही जैसी है, चाहे मेरी, चाहे वो पैदल जाए या फिर पालकी से जाए, श्रद्धा सबकी बराबर है। जय माता। फाइनली दोस्तों, भवन का थोड़ा झलक दिखने लगा है, पीछे देख सकते हैं आप लोग, यही है ये भवन। अभी भी यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर का और रास्ता बचा हुआ है, लेकिन प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, कितना बढ़िया लग रहा है देखकर। वाह, चलो चलिए। हम लोग दोस्तों आ गए लॉकर के पास, और यहाँ पर उतनी भीड़ तो नहीं है, रात का वक्त है, काफ़ी लोग सोए हुए हैं इस वक्त। तो अब फाइनली यहाँ पर कैमरा, मोबाइल और लैपटॉप, जो भी आपका सामान है, सारा जमा हो जाएगा, इसके आगे जाता नहीं है। तो हम लोगों ने लॉकर ले लिया है और 100 रुपये जमा करना है हमारे, लॉकर में सब सामान रख दूँगा। और यहाँ जो लॉकर है, ये जो भवन है, इसके ऊपर भी नहाने का बंदोबस्त है। और जो मेन भवन देख रहे हो आप पीछे, यहाँ पर दिख रहा होगा, ये मेन भवन है वैष्णो देवी भवन,
इसके भी नीचे है नहाने का, और आप कहीं भी डिसाइड कर सकते हो नहाने का। यहाँ पर भी आप नहा के और सीधा दर्शन के लिए लाइन लग सकते हो, या नीचे जा के नहा के और दर्शन के लिए लाइन लग सकते हो। फिलहाल हम लोग दर्शन के लिए यहीं पर नहाएंगे और लॉकर में सामान जमा करके, और उसके बाद फिर कपड़ा बदल के और निकलेंगे दर्शन करने को। फिर वापस आएंगे दर्शन करके और फिर से ब्लॉगिंग शुरू होगी। चलिए धन्यवाद दोस्तों, पहुँच गए हम लोग माता रानी के दर्शन करने। जय माता दी। माँ वैष्णो देवी मंदिर की कहानी और महिमा के बारे में माना जाता है कि करीब 700 साल पहले मंदिर का निर्माण पंडित श्रीधर ने किया था। श्रीधर एक ब्राह्मण पुजारी थे। श्रीधर व उनकी पत्नी सुलोचना माता रानी के परम भक्त थे। श्रीधर ने अपनी माता रानी के दर्शन की लालसा जताई, जिसके बाद एक रात वैष्णो माता ने श्रीधर को सपने में दर्शन दिए और उन्हें त्रिकुटा पर्वत पर एक गुफा का रास्ता दिखाया जिसमें उनका प्राचीन मंदिर था। बाद में यह मंदिर दुनिया भर में माता वैष्णो देवी के नाम से जाना जाने लगा। ऐसा विश्वास किया जाता है कि माँ वैष्णो देवी कलयुग में कालकी के अवतार का इंतजार कर रही है कली से दुनिया का उद्धार करने को। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देनी थी आप लोगों को कि नहा के दर्शन करोगे तो एक बात याद रखना कि जो पानी का टेम्परेचर है वो माइनस में है। ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको एकदम भूलना मत, और नहाना ज़रूर, मज़ा आएगा, थकान दूर हो जाएगा। सब लोग नहाना, धन्यवाद। तो दोस्तों अगर आप लोग आ रहे हैं हेलीपैड के लिए तो यहाँ से ये रास्ता आता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कहीं पर लिखा हुआ नहीं है कि यहाँ से रास्ता हेलीपैड के लिए, तो सीधा मत जाइएगा। हम लोग सब सीधा जाके आए हैं, ये रास्ता मुड़ता है यहाँ से, और यहाँ से ऊपर जाना है। यहाँ पे कहीं मार्ग का सूचना नहीं दिया हुआ है, लोगों से कन्फ्यूज़न हो रहा है जो भी हेलीपैड के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ये एरिया मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो आ गए हम लोग हेलीपैड का टिकट कटाने हेलीकॉप्टर का, और 2100 रुपये पर हेड यहाँ पर दाम है एक तरफ का, मतलब यहाँ से जाने का। अगर वहाँ से आते तो 4200 रुपये पर हेड पड़ता। और ये हम लोगों का पर्ची कटा है दुर्गा भवन के पास, जो कि बिल्कुल वैष्णो देवी भवन में ही है, तो वहाँ से हम लोगों ने पर्ची कटा है और पेमेंट यहाँ पर करना है। धन्यवाद दोस्तों। हालांकि वैष्णो देवी भवन से 3 किलोमीटर ऊपर चढ़ना पड़ा हम लोगों को, चढ़ते चढ़ते ऐसा लगा कि हम लोग नीचे ही क्यों ना उतर गए, लेकिन हेलीकॉप्टर का भी आनंद लेना था हम लोगों को, इसलिए शायद हम लोग हेलीकॉप्टर में जाएंगे अब। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे कटरा में। कटरा से सांची छतिया इसके विपरीत एक तरफा किराया प्रति व्यक्ति 2100 रुपये है। कटरा से सांची छत के लिए दो तरफा टिकट प्रति व्यक्ति 4200 रुपये है। 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यह सेवाएं मुफ्त हैं। इसके अलावा कोई कमीशन प्रोसेसिंग शुल्क नहीं है। आप आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर बुक कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर टिकट निजी वेबसाइट और दूर ऑपरेटर के माध्यम से भी बुक किया जा सकता है। हेलीकॉप्टर सेवाएँ सुबह 7 बजे शुरू होती है और कटरा से सांझी छत पहुँचने में 8 मिनट लगते हैं। यह सेवा लगभग 7 बजे तक सक्रिय रहती है और कटरा और सांझी छत से लगभग हर 20 मिनट में हेलीकॉप्टर उड़ान भरते हैं। दर्शन का समय सुबह 5 बजे, दोपहर 12 बजे, शाम 4 बजे और रात 9 बजे है। ऑनलाइन बुकिंग के लिए एकमात्र आधिकारिक वेबसाइट www.maavaishnodevi.org है। आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन एडवांस बुकिंग की जा सकती है और ऑफलाइन बुकिंग के लिए वर्तमान हेली टिकट काउंटर पर टिकट खरीदे जा सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग 60 दिन पहले होती है। आप ऑफलाइन भी बुक कर सकते हैं जो सुबह 6 बजे काउंटर खुलता है। तो दोस्तों हम लोग जो हेलीकॉप्टर पकड़े थे उसका नाम था ग्लोबल वेक्ट्रा, और वहाँ से उतर के फिर हम लोगों को पिकअप के लिए वैन भी दिया है हम लोगों ने, और काफ़ी बेहतरीन नज़ारा है। मैं दिखाता हूँ कैमरा पलट के। लोगों को RFID कार्ड यहीं सबमिट करना है, हम लोग हेलीकॉप्टर से उतर के यहीं पर RFID कार्ड सबमिट कर दिए दोस्तों। काफ़ी बेहतरीन नज़ारा हमारे पीछे। तो दोस्तों एक बात मुझे बहुत ही यूनिक लगी, जो कि अच्छी नहीं लगी मुझे इस बात का, कि कटरा में और ऊपर वैष्णो माता के दरबार में जहाँ से हम लोगों ने हेलीकॉप्टर भी पकड़ा था, वहाँ पर भी कोई कैश नहीं लेता है, मतलब कैश लेता है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, UPI नहीं लेता है,
तो मुझे इस बात का समझ में नहीं आता है कि लोग कैश के पीछे तक क्यों पड़े हुए हैं, क्यों नहीं UPI लेते हैं, आखिर ऐसा कैसा काला बाजारी चल रहा है यहाँ पर। खैर मैं कोई कमेंट करने वाला नहीं होता हूँ, मैंने बस कुछ जो देखा वो आपको बता रहा हूँ। हेलीकॉप्टर में भी UPI का स्कैनर लगा हुआ था लेकिन उन्होंने कैश मांगा। हम लोग 5 लोग थे, हमारा 10,500 का बिल बना था, तो ऑब्वियसली कैश लेके कौन ही उतना ट्रैवल करता है आज के डेट में। लेकिन ये अच्छा नहीं लगा, आप लोग भी इस पर ध्यान दें और आवाज़ उठाने की कोशिश करें। हमारे सरकार से दरख्वास्त है कि आप डिजिटल इंडिया एक तरफ करते हो, दूसरी जगह आप हर जगह टेंडर बैठाते हो ऐसे लोगों का जो लोग कैश में ही डील करना पसंद करते हैं, तो ये गलत है, मेरे हिसाब से गलत है। बाकी आप लोग बेहतर हो, समझदार हो, कमेंट करके बताएं कि क्या घपला चल रहा है। धन्यवाद दोस्तों। एक महत्वपूर्ण बात है आप लोगों से साझा करनी थी मुझे, जो कि मुझे वैष्णो देवी में उतना अच्छा नहीं लगा। अच्छा क्या नहीं लगा, अच्छा तो दरअसल वॉशरूम जो है वो उतना क्लीन नहीं था, और मेल और फीमेल वॉशरूम में मतलब दोनों ही क्लीन नहीं था। मेरी माँ भी गई थी उसमें तो बता रही थी, तो मेरी दरख्वास्त है सरकार से कि सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता, मानते थोड़ा मुश्किल है, पब्लिक का रश थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, तीर्थ स्थान है, लाखों की संख्या में दर्शनाभिलाषी आते हैं यहाँ पर, लेकिन मेरा स्टिल ऐसा मानना है कि अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकते, तो थोड़ा सा वॉशरूम को आप लोग साफ़ करवाएं। क्योंकि लोग जैसे हम लोग थे तीर्थयात्री, तो हम लोग वहाँ पर डायरेक्ट आए, दर्शन किए और फिर वापस निकलने का प्लान बनाए, हम लोगों का वहाँ पर रुकने का प्लान नहीं था। तो ऐसे लोग हमेशा लॉकर रूम के ऊपर जो वॉशरूम है या फिर जो धर्मशाला का वॉशरूम है वो यूज़ करते हैं नहाने पर्पज से और साफ़ होने के पर्पज से, तो थोड़ा सा साफ़ होना ज़रूरी है मेरा ऐसा मानना है। तो बस यही दरख्वास्त है मेरी सरकार से कि आप लोग वॉशरूम को थोड़ा सा साफ़ करें, बेहतर बनाएं। बाकी सब और 24 आवर्स ड्यूटी उसमें भी होनी चाहिए, शिफ्ट वाइज होनी चाहिए, कोई ना कोई श्रद्धालु इस पर भी काम करे। आप लोगों से दरख्वास्त है, आप लोग ज़रूर ऐसा ध्यान देंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो सब्सक्राइबर तो हो गया, वॉच ओवर चाहिए चैनल मोनेटाइज करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। चलिए मिलते रहेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में इसी तरह।